टेकारी के सोसाइटी केंद्र पर खुले में धान रखने की वजह से किस प्रकार से अब धान खराब हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बारिश कल दिन भर हुई, परसों रात भी बारिश हुई और आज भी मौसम जो है बारिश की बनी हुई है, जिस प्रकार से जो किसानों का धान जो है अब गीला हो चुका है और कहीं ना कहीं ये धान जो है आम जनता तक चावल बनकर जाएगी और इससे जनता को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं समिति की ओर से भी इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि किसान अपना धान बेचकर तो चले गया है लेकिन अभी तक से इनको खरीदा नहीं गया है और कहीं ना कहीं इन पर जो है शासन का पूरा दोष जाता है क्योंकि आप देखिए किस प्रकार से खुले में धान रखा हुआ है और शासन किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि यहाँ पर चबूतरा तो बना दिया गया है लेकिन सेट का किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं की गई है। अब धान जो है गीला हो गया है, कहीं ना कहीं अब अंकुरित होगा और पूरा धान जो है नुकसान होगा किसानों का। यहाँ पर जो है 8000 कुंटल धान रखा हुआ है और इसको रखने की व्यवस्था नहीं करने की वजह से अब खामियाजा यहाँ के जो समिति के लोगों का है उनका भुगतना पड़ेगा और अब समिति जो है धान को जनता तक पहुँचाएंगी चावल की स्थिति पर, तो चावल का भी कहीं ना कहीं रेट बढ़ेगा और जनता को काफ़ी परेशानी होगी। तो कैमरामैन मिथिलेश के साथ श्रवण येदु, glyphs.in। For more information, log on to www.glyphs.in.